अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा शफाकत। आज एक नए प्रोग्राम के साथ हम हाज़िर हैं। इस वक्त मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कल्याल के मुकाम पर हम मौजूद हैं। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि जो ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन घरों में फारग होती हैं अपने काम काज के बाद, जब उनको फारग टाइम मिलता है तो वहाँ फारग बैठने की बजाय वो इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज़ अगर करें तो मेरे ख्याल से उसमें वो मर्दों के शाना बिशाना काम भी कर सकती हैं, अपने जो है फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। कोरोना वायरस की वजह से जहाँ पर हालात तो मुश्किल तरीन हालात से गुजर रही है कौम हमारी, तो उसमें ख़वातीन का एक अहम रोल हो सकता है। इस वक्त कल्याल के मुकाम पर मैं मौजूद हूँ। कुछ ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं जो कि कैटरिंग के बिज़नेस को बताने के लिए ख़वातीन को कि वो किस तरह इस जो है ना काम में हिस्सा लेके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। ख़वातीन कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। इस वक्त सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि दुख्तराने कश्मीर के प्लेटफॉर्म से हम ख़वातीन जो घर में बैठी हुई हैं और जिनको कुकिंग ऐसी स्किल है जो हर एक लेडी को आती है, उनको हम कुछ आर्डर लेके उनको काम दे रही हैं जो ज़्यादा पैमाने पर बना सकती हैं या 50+ लोगों का जो खाना है वो बना सकती हैं, तो उनको हम ये काम दे रही हैं ताकि वो घर के अंदर अपनी फैमिली की सपोर्ट के साथ एक बाइज़त जगह पे जहाँ से उनको निकलने में प्रॉब्लम ना हो, उनको मटेरियल प्रोवाइड करके उनसे खाना जो है वो बनवा के और उनको अर्निंग का एक जरिया दे रहे हैं हम लोग। इसका तरीकाकार क्या है? जो ख़वातीन हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं, जो आपके साथ रब्ता करना चाहें तो किस तरह और इसका तरीकाकार क्या है? दुख्तराने कश्मीर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मोस्टली सब लोग ही इस NGO के बारे में जानते हैं कि ख़वातीन के हवाले से काम कर रही है। हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके चैनल पर दे देंगे और अगर वो रब्ता करना चाहें तनवी में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी और अपना फेसबुक अकाउंट जो है उसका भी बता देंगे। दूसरी बात यह है कि वो ऐसी ख़वातीन जो कुछ जानती हैं और उससे ज़्यादा मतलब यानी कि वो चाहती हैं कि हम कुछ कमाएँ हैं। लेकिन आज मैं कुकिंग प्रोजेक्ट के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज जो हम ये लेडीज़ के लिए प्रोजेक्ट लेके आए हैं, इसमें हमें आप लोगों के कोऑपरेशन की ज़रूरत है। काइंडली आप हम लोगों से कोऑपरेट करें किसी भी फील्ड से, किसी भी प्रोफेशन से जो लोग हमें देख रहे हैं, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इसमें हमें कोऑपरेट करें किसी भी जगह से। अगर आपको आप हमें ऑर्डर्स भिजवा सकते हैं, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें इसमें कोऑपरेट करें कि हम इस प्रोजेक्ट को और मज़ीद जो है ना अच्छा कर सकें। दुख्तराने कश्मीर का ये जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, ये डोमेस्टिक लेडीज़ को घर के अंदर इनडोर बिज़नेस देने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उन ख़वातीन के लिए जो अपनी हिम्मत नहीं हारती हैं और अपनी जो सी एनर्जी उसे पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करना चाहती हैं, तो जो लोग काम करवाना चाहते हैं वो भी दुख्तराने कश्मीर को रब्ता करें, ठीक है। और जिन लोगों को काम की ज़रूरत है, स्पेशली जिन ख़वातीन को जो इंडोर वर्क टेक्निकल स्किल्स हैं उनके पास, तो वो भी रब्ता करें। आगे फर्दर हम जो प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं वो काम के बाद कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन भी डिज़ाइन करने जा रहे हैं कि जो लोग घर में फारग बैठी हैं जो ख़वातीन उनको ट्रेन करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो ये प्रोजेक्ट है कि आप जो ख़वातीन कोरोना की वजह से घर के अंदर मौजूद हैं और जिनके पास इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो हम तक आएँ और हमें रब्ता करें, हम उन्हें काम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करें। जिस तरह से उन्होंने मुझे गले लगा के किस में ये बात की कि मैं हलाल कमाना चाहती हूँ और मेरे बाजू में इतनी हिम्मत है कि मैं हलाल कमा सकूँ, अपने बच्चे को कुछ अच्छा खिला सकूँ, और उनकी यही है कि मैं किसी के आगे मांगू ना, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, मैं किसी की मोहताज ना हूँ। तो आप लोग इसमें हमारा साथ दें ताकि ये बहन हमारे साथ हम इनको काम दें तो ये हलाल कमा। हमारे पास बहुत सारी बहनें हैं, हम उनके काम इंशाल्लाह। दुख्तराने कश्मीर के प्लेटफॉर्म से आज ये यहाँ पर ये जो काम का आगाज़ किया गया है, हम आपको ये भी इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि एक तरफ वो ख़वातीन है जो सड़कों के ऊपर लिबरलिज्म को प्रमोट कर रही हैं और दूसरी तरफ ये ख़वातीन है जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करते हुए अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए ख़वातीन को ये सिखा रही हैं कि किस तरह आप मर्दों के शाना बिशाना काम कर सकती हैं घर के अंदर रहकर, ना कि सड़कों के ऊपर नारेबाजी करती हैं। जो ख़वातीन, उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप भी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ, ताकि हम ये फिक्रा सुनते आए हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे खातून का हाथ होता है। यकीनन अगर ख़वातीन पॉजिटिव रोल प्ले करें तो मेरा ख्याल से कि इस फिक्रे को सच साबित किया जा सकता है और बहुत सारी ख़वातीन जो घरों में फारग हैं वो दुख्तराने कश्मीर के प्लेटफॉर्म पर इनसे रब्ता करके पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में भरपूर किरदार अदा करें। राजेश फाकत को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।